आज एक्सरसाइज 1.1 में हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू। डिविजिबल बाय टू तो हम लेट करेंगे दो कंजुगेटिव नंबर, लेट बी टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर एन। फर्स्ट मैंने एन ले लिया तो अगला कौन सा होगा? कंजुगेटिव का मतलब होता है जैसे फाइव है तो इसके बाद कितना सिक्स आएगा, तो फाइव में आपको वन प्लस करने से ये अगला नंबर आ जाएगा। तो इसमें वन प्लस कर देंगे तो अगला कौन सा आ जाएगा, एन प्लस थ्री। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। या फिर क्या करेंगे अपने, अगर यहाँ एन ले लेंगे जैसे मैंने सिक्स ले लिया तो सिक्स से पहले कौन होगा, इसमें वन माइनस करो फाइव आ जाएगा। तो यहाँ एन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वही ले रहा हूँ जो बुक में दे रखा है। ठीक है, तो पहले एन लिया मैंने, एन से पहले कौन होगा, वन कम कर दो, सिक्स पहले कौन होगा फाइव, इसमें एक कम किया, इसमें एक कम करने से कितना एन माइनस, तो n और n माइनस वन जैसे फाइव और सिक्स है और दो कंजुगेटिव नंबर है, ये इससे जस्ट पहले वाला है। n में कम किया n माइनस वन, ये इसका जस्ट पहले वाला नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है, इनका प्रोडक्ट। तो है प्रोडक्ट n माइनस वन का इंटू करना है n से, इस दोनों के मल्टीप्लाई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ p से, p मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितना आगे ये आ जाएगा, n स्क्वेयर माइनस n का n से क्या, n स्क्वेयर n का 1 से। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्म, अब देखिए मुझे ये प्रूफ करना है कि p डिविजिबल बाई टू। पी का मतलब पी क्या चीज़ है, पी डिनोट कर रहा है इस फॉर्म को, और ये किससे आई, इससे, ये दो कंजुगेटिव नंबर का क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, ये टू से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ये टू से डिविजिबल हो या ये टू से डिविजिबल हो या ये टू से डिविजिबल हो, बात एक ही है। तो टू से डिविजिबल की बात हो रही है, डिविजिबल से रिलेटेड अपने पास एक थ्योरम है ये कि डिविजिबल लेमा। तो वी नो दैट, वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी पॉजिटिव नंबर द पॉजिटिव इंटीजर एन, हम एन के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल में हमने एन ले रखा है, एन के लिए क्या होगा, n इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एन इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो बट लेस देन। ठीक है, ये अपने आप में क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम थी जो मैंने n के लिए यूज की है। अब क्या करना है मुझे, डिविजिबल बाई टू प्रूफ करना है, तो हमको पता है कि b की जगह में टू लेना पड़ेगा। ठीक है, पीछे के सवाल में बता चुका हूँ कि जिससे डिविजिबल करना हो वो नंबर किसके लिए आता है, बी के लिए, तो आपको बी के लिए आपको दो लेना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, टू लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू टू क्यू प्लस आर
बी की जगह तो आर की वैल्यू लेस देन टू मतलब कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर कौन सी होगी, जीरो हो जाएगी वन हो जाएगी, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर ठीक है विल बी जीरो या आर की वैल्यू रिमाइंडर जो होगा दो से कम होगा जीरो या वन होगा। तो पहले केस में हम क्या करते हैं आर इक्वल टू जीरो देते हैं और दूसरे केस में आर इक्वल टू वन देते हैं। तो आर की जगह जीरो डालेंगे तो एन कितना होगा, एन हो जाएगा टू क्यू प्लस जीरो मतलब टू क्यू ले जाएगा और एन यहाँ पर कितना आ जाएगा सेवन डालेंगे तो टू क्यू प्लस वन ठीक है। तो मेरे पास जो एन आ गया वो टू क्यू या टू क्यू प्लस वन सही बात है, एन कोई नंबर है क्या इवन हो भैया क्या होगा और लोग तो बेसिक डेफिनेशन यही है नंबर की। आप चलिए सारा कार्यक्रम बिना किए सीधा यहाँ पहुँच सकते हो लेकिन पूरा प्रोसेस समझाना जरूरी था आपको इसलिए मैंने उसका बता दिया ठीक है। अब हमें कुछ क्या करना था कि पी ये पी क्या था प्रोडक्ट दो कंजुगेटिव नंबर इसे मैं टू से डिविजिबल करता है और यहाँ भी कैसे दे लेंगे इफ अगर हम एन की वैल्यू ये डाल दें एन इक्वल टू कितना टू क्यू ए पी इक्वल टू ये कितना है एन माइनस वन इन टू एन एन की जगह पुट किया टू क्यू माइनस वन यहाँ पे टू क्यू तो टू क्यू और टू क्यू माइनस वन इसको आगे भी था इसको पीछे देता ठीक है। तो ये वाला कितना आ जाएगा टू का टू। अब ये भी कोई इंटीजर है ये भी कोई इंटीजर है तो किसी इंटीजर को अगर टू से मल्टीप्लाई करें वन माइनस करें तो क्या इंटीजर आएगा फिर उस इंटीजर को इस इंटीजर से इंटू करें तो भी इंटीजर आएगा। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है कुछ भी हो सकता है। तो इस दो को छोड़ के बाकी बच्चों को उसको मैंने एम बोल दिया ठीक है। यहाँ क्या था पी था तो पी क्या निकल के आया P इक्वल टू आ गया टू एम ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि P डिवाइड बाई टू इक्वल टू एम कहने का मतलब P क्या था प्रोडक्ट दो कंजुगेटिव नंबर का उसमें हम दो का डिवाइड करें तो M कोई इंटीजर आता है देखने यहाँ पर M इज सम इंटीजर M यहाँ पर कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो P था वो एक्चुअल में दो कंजुगेटिव नंबर का क्या था प्रोडक्ट जो कि टू से डिविजिबल हो गया। अब केस सेकंड देखेंगे केस सेकंड में यहां कर देता हूं केस सेकंड में इफ एन इक्वल टू क्या ले लें टू क्यू प्लस वन टू क्यू प्लस वन तो पी कितना हो जाएगा पी क्या था ये वाला ठीक है। आप इसे वैल्यू पुट लो या इसमें मेरे की बात मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एन किस गए टू क्यू प्लस वन एन किस गए टू क्यू प्लस वन फिर माइनस वन जान लेते कि एन किस गए टू क्यू प्लस वन फिर माइनस वन इन टू एन किस गए टू क्यू माइनस वन तो ये कट जाएगा यहाँ बचेगा टू क्यू यहाँ जाएगा टू क्यू माइनस वन। इसकी बार क्या था यहाँ पर टू क्यू टू क्यू माइनस वन सेम की सही एक चीज आ गई तो फिर से इसे मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ को एम तो बोल सकते हैं कि पी में टू का डिवाइड करने से ठीक है। इसका मतलब पी क्या था दो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट उसमें दो का डिवाइड करने से कोई इंटीजर एम आता है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दो लगातार नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें हम दो का डिवाइड कर सकते हैं। अब प्रूफ तो हो गया। अब इस चीज़ को हम सिंपल थॉट से समझते हैं कि एक्चुअल में था क्या ही आप कोई दो नंबर लीजिए वो भी कंजुगेटिव क्वेश्चन में कंजुगेटिव नंबर बोला गया जैसे मान लीजिए मैंने सिक्स लिया और सेवन लिया कितना आया 42 इसको तो आप चेक ही मत करो। फिर दो कंजुगेटिव नंबर में एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये इवन है तो अगला आउट होगा अगर हम फर्स्ट ओड ले लें अगला इवन होगा। कहने का मतलब जितने भी नंबर लगाते होते हैं उसमें ओड इवन
ये सीक्वेंस लेता है, ठीक है, ये जैसे वन ऑड है टू इवन आ गया, फिर ऑड फिर इवन, तो अगर दो लगातार नंबर ले रहे हैं तो उसमें एक नंबर इवन पक्का श्योर रहेगा। अगर इवन नंबर आ गया तो उसमें हम टू का डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकल बात यही की, अब इसको समझाने के मैंने इस तरीके से लेमा का यूज़ कर इसको, ठीक है। अच्छा एक बात कौन ख्याल रखना है, एग्ज़ाम में इक्वेशन इस तरीके से भी आ सकता है, किस तरीके से, प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस एन, इतना इतना प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस एन डी डिविजिबल बाई टू, जैसा प्रूव दैट एन स्क्वायर माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई टू वेयर एन इज एनी इंटीजर, एन की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए हमेशा ये टू से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेवन डाल दिया, सेवन का स्क्वायर 49 माइनस सेवन कितना बचा 42, क्योंकि दो सौ डिवाइड है। एन की जगह मैंने वन डाल दिया, वन का स्क्वायर वन माइनस वन जीरो आ गया, जीरो दो सौ डिविजिबल है। एन की जगह सेवन फाइव डाल दो 25 माइनस का 20, ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आप कुछ भी डालोगे तो सॉल्व होने के बाद इवन नंबर निकल के आएगा, वो अपने आप दो सौ डिविजिबल होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ये भी कह सकता है तो कंजुगेटिव नंबर का प्रोडक्ट, ये भी बोल सकता है एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाई टू। जरूरी नहीं कि आप नंबर इस तरीके से लें, नंबर आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मैंने एन लिया गया तो कौन सा होगा एन प्लस वन होगा, लेकिन ये बेसिकल फॉर्म ही होती है कॉन्जिकेटिव, ऐसा नहीं करना आपको एन प्लस वन ले लिया और एन प्लस टू ले लिया, अगर ऐसा करोगे तो भी सवाल प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में है ना एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्टिंग होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एन चीज का वन डालो, ये जीरो डालो, जीरो डालोगे कितना वन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, ठीक है। अगर आप टू डालोगे तो कितना थ्री आ जाएगा, कितना ये आ जाएगा। लेकिन जब भी आपको कॉन्जिकेटिव नंबर लेना तो फर्स्ट आप क्या लीजिए एन, अगर आप क्या लीजिए एन प्लस वन, या फिर ये एन ये वाला एन, ठीक है। इस तरीके नंबर आप मत लेना, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेसिक ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नंबर आया ये इसी से आया, इसका भी ये अपने आप में किससे कॉन्जिकेटिव है, ये एन के बाद है एन प्लस वन, तो इससे मानने से आप इससे मानो, इसको मानो, और ये कब आया इसको मानने से, ठीक है। तो अगर आप ये नंबर मान रहे हो तो किसी के दिमाग में है ये भी किसी आगे का नंबर, इससे पीछे वाला कौन था एन, ठीक है, इससे पीछे वाला कौन था एन माइनस वन, ठीक है। तो आप इस स्टार्टिंग यहाँ से करिए एन से और प्लस वन से, या फिर एन से एन माइनस वन से, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप 1.1 स्टार्ट कीजिए और कल हम करेंगे 1.1 के आगे वाले सवाल, ठीक है। एक सवाल मैंने करवाया आपको बहुत अच्छे से, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे।